निकल जाएंगे। आज मेरे मन में आइडिया आई, 15-20 करोड़ की है, पूरा भोपाल बदल जाएगा। मैंने ब्रह्मपुत्रा में और गंगा में करीब 17 जगह पर, ये जो गंगा नदी बीच में है ब्रह्मपुत्रा, उसके लिए हमने इस तीर से उस तीर जाने के लिए एक वो जो स्पेशल कोचिन शिपयार्ड ने रोडवे वो रोपैक्स वो एक नए बनाए, वो हमारे कोचिन शिपयार्ड जो है, जो हमारी गवर्नमेंट की है, उसमें क्या करते हैं कि 5 मंजिले की, अभी मुंबई में आप आएंगे तो बीपीटी से अलीबाग जाइए, तो अलीबाग से आप मुंबई गोवा रोड पर जाने के लिए आपको 50 मिनट लगते हैं, और साउथ मुंबई से निकलकर रोड से जाओगे तो 2.5 घंटा लगता है। तो क्या हुआ कि ट्रक बसेस कार सब अंदर जाती है, और लिफ्ट पे चढ़ के लोग ऊपर में एक रेस्टोरेंट बना वहां चले जाते हैं, और अभी अलीबाग जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब यह 17 मिनट में जा रही है। अभी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैंने उनको कहा ये वही उसमें लगा दो कि एयरपोर्ट में डायरेक्ट हमने एक जेटी बना दिया, और मैं शिपिंग मंत्री था, पूरे मुंबई में अलग अलग जगह पर लोग अपनी गाड़ी कार और अपना ट्रक बसेस उसमें डालेंगे, रो रो रोपैक्स फेमस है बहुत, कोचिन शिपयार्ड ही बनाती है, और उसमें बैठकर गाड़ी रख दो, 17 मिनट में मुंबई से कहीं भी तुम एयरपोर्ट चले जाओगे, अभी 3 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, भोपाल में आप एक बार लाओ और ये रो 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 पैक्स लगा दो, अपनी गाड़ी स्कूटर सब लगेंगी, वहां छोटा सा धक्का बनाना पड़ेगा, और इधर से उधर पानी पे गाड़ी रख दी, उतर गया चला गया, तो आपका सस्ते में काम हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन